आप लड़की के पीछे भागते हो, लड़की को पटाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि लड़की में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए? अगर नहीं पता तो वीडियो को देखते रहो, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना जो कि लड़की में आपको कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप वही चीज देखते हो तो वीडियो के लास्ट वाला पार्ट जरूर देखना। पहले हम ये बात करने वाले कि लड़कियों में क्या देखना चाहिए और लास्ट में ये बताऊंगा कि क्या नहीं देखना चाहिए। तो पहली दो चीजें जो आपको देखनी चाहिए वो है, पहला दिमाग। लड़कियों में दिमाग देखना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि 70% से ज्यादा रिलेशनशिप ब्रेक होने के, यानी कि ब्रेकअप होने के, लड़ाई झगड़े होने के कारण पता है क्या होते हैं? कि लड़की दिमाग से ज्यादा दिल लगाती है। तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, उस लड़की के साथ घूमने क्यों गए? अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछना चाहिए, बट यहां पर लड़की को सुनना भी तो चाहिए। लड़का बेचारा कहता है कि मैं उसके साथ इसलिए गया था क्योंकि रात ज्यादा हो रही थी, मैं उसको लेके घर ड्रॉप कर रहा था, लेकिन नहीं, लड़की नहीं सुनती। लड़की सुनेगी नहीं, बकर बकर करेगी कि नहीं तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दिमाग नहीं लगाती ना साहब। सब कर कुरा के लास्ट में फिर पूछती है कि तुम ये तो बताओ तुम कर क्या रहे थे। अरे भाग्यवान, वही तो बता रहे थे हम। तो ये देख लेना कि लड़की में दिमाग हो। ऐसा ना हो कि तुम अपने घर वालों से उसको मिलाओ या किसी बड़े बूढ़े सीनियर से उसको मिलाओ और उसकी बेइज्जती हो जाए, और असल में उसकी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, कैसे लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है तू। लड़की को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, ये उसको बखूबी पता होना चाहिए। तो दिमाग तो हो गया। दूसरा यहां पर चीज होनी चाहिए कि लड़की केयरिंग होनी चाहिए। लड़की का केयरिंग नेचर होना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको केयर चाहिए, नहीं, आपको तो कुछ और ही चाहिए। लड़की यहां पर केयरिंग होगी तो ना सिर्फ आपके घर वालों को, आपके फैमिली को रिस्पेक्ट देगी, केयर करेगी, बल्कि आपके बालकों को भी करेगी। सोचना है तो दूर का सोचो ना। तो लड़की यहाँ पर आपके इमोशंस की कद्र करेगी, उसकी केयर करेगी। कई बार लड़की आपके उन जोक्स पे भी हंसेगी जो कि फनी नहीं होंगे। कई बार आपसे डिबेट में बस इसलिए हार जाएगी क्योंकि अगर वो जीत गई तो आपको बुरा लग जाएगा। अपने सीरियस और ड्रामे को छोड़ के वो आपको क्रिकेट मैच देखने देगी क्योंकि आपकी खुशी में उसको खुशी मिलती है। ना ये ज्यादा हो गया। तो कुल मिला के लड़की यहाँ पर केयरिंग होनी चाहिए। अब आते हैं वो दो चीजें जो कि लड़कियों में कभी नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज जरूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली यहाँ पर चीज है ब्यूटी। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों की ब्यूटी मत देखो, लड़की सुंदर है तो मत देखो। अरे भैया, देखने की चीज है तो देखेंगे ही, क्योंकि इसी में ही लड़की की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर लड़की की सुंदरता देख रहे हो, अच्छी बात है, बट लड़की से प्यार होने का रीजन बस यही नहीं होना चाहिए कि वो सुंदर है। लड़की की ब्यूटी के ऊपर ही आप उसको प्यार मत करो। लव एट फर्स्ट साइट का जो चूतियापा है वो इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि लड़की खूबसूरत है। तुम्हें कभी उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट का चूतियापा क्यों नहीं होता जो सुंदर नहीं होती, जो एवरेज होती है, जो बिलो एवरेज होती है? तुम लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, और देखते भी पता है कब हो? जब आसपास की सारी ब्यूटीफुल लड़कियां पट चुकी होती हैं, जब सारा कुछ हाथ से निकल गया तो बचा खुचा लपेट रहे होते हो तुम। तो मेरे भाई, रियलिटी में जियो। जो तुम ये कहते हो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार हो गया तो घंटा हो गया। और कई बार लड़की दिखने में कतई फाड़ होती है, एकदम जानलेवा कातिल जहर होती है, लेकिन जैसे मुंह खोलती है ना, अरे भाई क्या हो गया ये। तो भैया संभल के, 50% से ज्यादा आपकी क्रच इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि वो मुंह खोल देती है। यकीन नहीं आता तो अपनी क्रच से बात करके देखना, तुम खुद ही उसको नापसंद कर दोगे। ये वाला पर्सनल था, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। दूसरी यहाँ पर चीज है जो कि लड़कियों में नहीं देखनी चाहिए, मुन्ना वो देख लो तुम। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए नहीं पटाना चाहिए, सिर्फ उनको यूज करने के लिए नहीं प्यार करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्यार मत करो, प्यार करो, तुम्हारी मर्जी भैया, मैं रोकने से कहां रुकोगे तुम? करो भैया, दबा के करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, करते जाओ। बट आपके रिलेशनशिप की वजह बस यही नहीं होनी चाहिए कि आपको उसको यूज करना है, आपको उससे प्यार चाहिए। लड़कियों में अपनी जरूरत मत देखो, लड़की को जरूरत दो। लड़कियों से जरूरतें पूरी करोगे तो भैया कामयाब नहीं हो पाओगे, फिर खुद को बर्बाद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लाइफ की ऐसी तैसी मार दोगे। और लड़की तो पूरा पानी का समुंदर है, तुम कहां उस कुएं में घुस रहे हो? हां माना कि प्यास लगेगी तो कुएं का ही पानी पियोगे, समुंदर का तो पियोगे नहीं, कुएं में जाओगे तुम, प्यास बुझाओगे, क्योंकि पानी मीठा भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुएं में घूमते रहो। कई बार समुंदर की लहरों का भी आनंद लो, कभी ऊपर उठो, कभी नीचे गिरो, मजा इसी में ही है। कुएं में कहां स्थिर रहता है पानी, कहां मजा आता है? तो समझ रहे हो ना मैं कहां की बात कर रहा हूं। कई बार बातें गहरी होती है, लेकिन तुम्हें गहराई में घुसने में ही तो मजा आता है। जिन जिन को पिछली चार लाइन समझ में आई, वो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि हां समझ में आ गया भैया। और अगर आप ये वीडियो और लोगों तक शेयर करना चाहते हो तो कर देना यार, मुझे बहुत खुशी होगी पर्सनली। अगर आप नए हो और ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में घंटा, तो उस घंटे को दबाना कतई ना भूलना, घंटा दबा देना, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी।